ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, फिकरा अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिल भर का। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी सुबह के कितने बज रहे हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं उठ चुका हूँ। और आज मौसम में काफ़ी अच्छी धूप मुंह में भी पड़ रही है, तो आज मैं घर पे ही हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो घर पे व्लॉग शूट करूँगा और यहाँ की दिखाऊँगा क्या है, क्या करते हैं दिन भर दिनचर्या, है ना। तो चलो अभी, ये क्या है, ये मेरी एक गाय ने एक बछिया दी है, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा करके, ये देखो है तो बहुत क्यूट लेकिन इंसानों से बहुत डरती है। आ जा मेरा बच्चा, आ जा, अभी नहीं डर रही भाई, कैमरा देख के लग रहा है इसको भी। वो आ गया, वो भाई साहब फर्स्ट टाइम नहीं डरी है ये डर ही नहीं रही है। अब डरना स्टार्ट हो गई, पीछे हट जाता हूँ। और इसकी गाय ये है, इसकी माँ ये है गाय नहीं, और ये हमारी एक बेड भी है यहाँ। और इसके साथ में ही एक संतरे का पेड़ है जिसपे संतरे लग रखे हैं, ये देखो छोटे छोटे, अभी तो ख़त्म कर दिए हमने खा खा के, लेकिन स्कूल के बच्चे आते हैं यहाँ पे और वो चोरी करके ले जाते हैं। आपको पता ही है स्कूल के बच्चे कैसे हरामी होते हैं, हम भी हरामी थे, जब कहीं आसपास दिखता था तो चोरी कर लेते थे। तो एक यहाँ पे है और ये पीछे घर है मेरा, और मेरा हो गया दिमाग खराब क्योंकि मुझे लग रही भूख, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। अब ऊपर चल के देखते हैं किचन में कि कुछ बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, बिकॉज भूख से जैसे ऐसा लग रहा है कि मेरी जान ही निकल जाएगी। और ठंड भी बहुत है यार, बहुत ठंड है। देखते हैं यार खाने के लिए बना, तो मुझे खाने के लिए तो दिख नहीं रहा है कुछ भी, कुछ बना हुआ है। ये कुकर है, ये खाली है, ये नीचे गैस लग रखी है, इसमें मुझे लग रहा है बना रखा है कुछ, यही है बाकी। ये इस पे उठा के देखता हूँ भाई, ये क्या है, दाल है, ये दाल है, और इस पे क्या है, फिर इसमें साग है। चलो खाने के लिए बन रखता है, पहले खा लेता हूँ फिर आता हूँ वापिस, है ना। तो भाई खाने का टाइम हो गया, खाना खा लेते हैं। हिमाचली कल्चर में नीचे बैठ के ही खाते हैं, तो मैं भी नीचे बैठ रहा हूँ और खाने के लिए बन रखा है, ये मेरी है, इसमें सरसों का साग और दाल बन रखी है। चलो तो खाते हैं, अब टेस्ट करते हैं कैसा बना हुआ है। तो भाई अगर खाने में देसी घी का स्वाद आ जाए तो क्या ही टेस्ट आ जाता है। और इसमें मैं देसी घी डाल रहा हूँ साथ में, क्योंकि इससे देसी घी तो देसी घी होता है, इसका स्वाद ही बदल जाता है इसके साथ। तो ये इसमें मिक्स करके खाऊंगा मैं, अब देसी घी प्लस हरी मिर्ची प्लस दो सब्जियां, दो दालें। स्वाद आ गया भाई, स्वाद आ गया। चलो तो मिलता हूँ अब खाना खाने के बाद। गाइस मैं खाना खा के सो गया था यार, खाना खा के सो गया था, अभी शाम का वक्त हो रहा है। और वाह क्या सुहावनी, क्या सुहानी शाम है, बहुत ही प्यारी। और ये देखो, वाह वाह मजा आ गया। चलो ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से, चलो आ जाओ। हाँ गिर गया था भाई, यहाँ से चढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन हम जैसे नौजवानों के लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं। तो ऊपर ऊंचाइयों में पहुँच चुके हैं, तो ये देखो कमेंट्री हो रही है, कमेंट्री। हाँ जी हाँ जी, लाइव कमेंट्री, लाइव नहीं। तो यहाँ पे कुत्ते भी बहुत हैं, जो कि ये काला वाला कुत्ता मुझे हर बार खाने के लिए दौड़ता है। अभी मैं मौसम दिखाने आया था आपको, ऊपर मौसम देखो भाई, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग। तो यही है भाई, यही यही जिंदगी है, यही लाइफ है, यही इंजॉय है लाइफ का। अच्छे मौसम के मजे लो, वादियों के मजे लो, क्या रखा है दिन, क्या दिन दुनिया में क्या रखा है, क्या रखा है शहरों में, कुछ नहीं रखा भाई, बस अपनी लाइफ का एंजॉय लो और कुछ मत करो। पहाड़ों में बस जाओ, नौकरियाँ वोकरियाँ छोड़ दो अपनी, यहाँ बसो, रात को बैठो,
चार दोस्तों के साथ और मजे लो लाइफ के। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। डैड की मम्मी बना रही है रोटियां हमारे डिनर के लिए। ये देखो, आप कुछ बोलना चाहोगे? माताजी कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं बोलना चाहते माता जी। किसी का फोन आ गया, यहीं पे कट करनी पड़ेगी। मिट जाओ, सॉरी। तो गाइज कुछ इस टाइप का दिन रहा आज। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कर दो यार अगर आई गए हो इतनी लास्ट तक देखते हुए। तो बने रहे, मैं अगला ब्लॉग जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।